जिस रोड पर आपका ऑफिस है वो टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट से भरा पड़ा है, मेन बाजार है तो भरा पड़ा है टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट से। सिटी थाने से लेकर कमेडी चौक तक पूरा एरिया सड़क जो है दुकानदारों ने कब्जा रखी है मैक्सिमम ने जी। मीनार गेट से बस अड्डा की तरफ जाम ही जाम है, वहाँ भी टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट बहुत है। रसूल मार्केट भी पूरी तरह से इंक्रोचमेंट से भरी हुई है, ट्रैक्टर मार्केट क्या कहेंगे। ये भी कहीं ना कहीं सत्ता की नाकामयाबी और प्रशासन की नाकामयाबी है। जब भी कोई विधायक या सांसद या बड़े लेवल का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्तर का कोई अधिकारी आता है तो घंटों दो घंटों के अंदर इस समस्या का समाधान कर दिया जाता है। अभी आप लास्ट में देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी जब आए तो जब हम पलवल की कोर्ट जाते थे तो रोड के दोनों साइड किनारियों पर जो धूल भी हुआ करती थी, जो सालों से मैंने वो एक आजकल वो मशीन लाए थे करोड़ों रुपए में जो है मंथली बेसिस पर, यहाँ के जो नगर परिषद के अधिकारी और यहाँ के स्थानीय जो नेता विधायक लेकर आए थे वो कुछ महीनों से सालों से गायब थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी का 3 दिन का यहाँ पर एक प्रोपेगंडा कार्यक्रम चला तो मैंने देखा कि कोर्ट के दोनों तरफ की रोडों पर धूल का एक नामो निशान नहीं था। तो ये जो अतिक्रमण वाली एक समस्या, इंक्रोचमेंट की जो समस्या है, ये प्रशासन के 2 घंटे का काम है। लेकिन प्रशासन का नहीं करना कहीं कहीं दर्शाता है कि स्थानीय विधायक और प्रशासन कहीं ना कहीं किसी दबाव में और अपने ही समर्थन से ये जो है इंक्रोचमेंट का काम करवा रहा है, जिससे नहीं तो 2 घंटे का काम है। प्रशासन चाहे तो कोई बड़ी उपलब्धि ये बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता और कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा जो है एक लेन देन का जो है काम चालू है। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि दुकान के बाहर अगर कोई रेहड़ी वाला फड़ वाला या कोई दुकान के बाहर सामान बेचता है तो दुकानदार उससे पैसे वसूलता है कि भाई आप दुकान के बाहर लगाएंगे तो पैसे देंगे, और वो दुकानदार मेरे संज्ञान में तो है कि कुछ दुकानदारों पर बाजार के ऊपर एडवोकेट संजीव लाल जी ने एक केस भी इंक्रोचमेंट के खिलाफ डाला है कि वहाँ लोगों को अगर कोई परेशानी हो जाए तो वहाँ मेडिकल सुविधाएं फैसिलिटी भी नहीं टाइम से पहुँच सकती। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन और स्थानीय जो विधायक और यहाँ के लोकल नेता है उनकी नाकामयाबी का नमूना है। नीम तला मोहल्ले में 5 डेथ हुई थी तो उसके बाद उन्होंने बिगुल बजा दिया था, बिल्कुल उन्होंने टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट हटवा दी थी, लेकिन अब फिर से दोबारा से हो गई है, क्या कहेंगे। ये वही जो प्रशासन के, जब मुझे याद है कि जब हमारे पलोहल में नए चेयरमैन का चुनाव हुआ और जीत कर आए तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। बीच में उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा दिया था कि परमिशन के बिना वो उनके ऑफिस में कोई ना आए। अब आपके माध्यम से मैंने एक दिन देखा था वीडियो, उन्होंने कहा कोई भी दिक्कत हो तो वो मेरे नंबर पर पर्सनली कॉल करें। मैं आज आप ही के माध्यम से आप ही के उस इंटरव्यू के आधार पर पलवल के जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपने ही ये कहा था कि अगर पलवल की जनता को नगर परिषद से संबंधित कोई काम है तो उनसे गुहार लगाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इसी चैनल के माध्यम से कि वैभव क्रांति की कम से कम भी के माध्यम से जो मेरी छोटी अपील है, आप शहर में अतिक्रमण को हटाने का कामयाब ये कामयाब छोटा सा काम है आपके लिए घंटे दो घंटे का, स्थायी रूप से खाली दिखावे का एक प्रोपेगंडा ना करें, स्थायी रूप से अतिक्रमण हटाएं, लोगों को चलने के लिए रोड तक मुहैया कराएं, वरना नैतिक रूप से आपको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप किसी दबाव में या ये काम करने में असमर्थ हैं तो। क्या लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण भी है? बिल्कुल 100% राजनीतिक संरक्षण है। सत्ता के कुछ दलाल हैं जो विधायक के करीबी लोग हैं, 5-7-10 नाम है, पूरा इलाका उन्हें जानता है, उनकी जो गुंडागर्दी चरम पर है और पूरे बाजार में उन लोगों ने कब्जा किया है और अतिक्रमण बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं विधायक के परिवारजनों का बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।